आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में छठ पूजा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थल पर आतिशबाजी न हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यूपी के बुलंदशहर में ग्रामीण बड़ी संख्या में रामघाट पहुंचे। आपको बता दें कि दबंगों ने मंदिर पर अवैध कब्जा किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दबंगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। लोगों ने बताया कि यहां लगभग 2 वर्ष पुराना राम मंदिर तोड़कर दबंगों ने अवैध कब्जा किया। और सर, हम फड़पे दुकान गंगा जी किनारे लगाते हैं। नहीं, हम पे कुड़ जगह है, जमीने गरीब आदमी है और हमारे पीछे मंदिर है, बहुत काफ़ी पुराना। उस मंदिर पे लोग कब्जे कर रहे हैं, मशीनें चला रहे हैं, हमारी दुकानें भी उखेर उखेर के फेंक रहे हैं, हटा रहे हैं कि यहाँ आप दुकान नहीं लगाओगी। तो हमारा रामघाट बांगर गाँव नाम है और सर, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मिल नहीं जो हम कहाँ गुजर कर लें बच्चों की। डिस्ट्रिक्ट ब्लेंथ है माने भाई, वहाँ पर कुछ दबंग लोग आते हैं जो वहाँ बताते हैं कि इस जगह का हमने बहनामा करा लिया है, वहाँ के पुजारियों को पीट के भगा देते हैं। उस मंदिर पे 4-4 JCB चला के ध्वस्त कर दिया, उनका मलबा इनकी दुकानों के ऊपर गिर रहे हैं। हम इसलिए आए कि जो सरकारी जगह है ये मंदिर था, वहाँ पे तोड़कर और JCB चला रहे थे 8 दिन से। हम वहाँ फल पे दुकान लगाते, वो भी हमारी दुकान भी चली जाएगी जब वो अपना दुकान मकान बना लेंगे लेकर घेर कर। तो हम तो गरीब आदमी है, हम पे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है ढंग के कोई, हम पे खुद आठ लड़की है, पूरा जगह नहीं है हम पे। कितने लोग फल लगाते हैं? सब जाते सब फल वाले हैं सारे, 50-60 लोग हैं, 60-70-100 सारे जो फल वाले हैं, खिलौना बेच रहे हैं। कोई मामला पूरा ये है कि हमारे गांव रामघाट में तीर्थ नगरी में एक 400 साल पुराना राम मंदिर है, तो सर उसके लिए क्या दबंगों द्वारा तोड़ा जा रहा है, उस पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और जो गंगा जी में अपनी खोखा की दुकान जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी खोखा लगा के दुकानें लगा के गरीब लोग उनके लिए जो है उनको भगाया जा रहा है और निकाला जा के अगर नहीं हटाओगे उनको धमकी दी जा रही है, अगर तुमने ये दुकानें नहीं हटाई तो आपकी दुकानों में हाथ लगा देंगे या फेंक देंगे, तोड़ देंगे। गंगा किनारे प्राचीन 100-200 वर्ष पुराना, उसमें एक संत रहते थे, इन दबंगों ने उनको निकाल दिया और उस मंदिर को ढा दिया और गरीब लोगों को वहाँ से जो खोखा अपना जीवन यापन करते थे उनको निकाल दिया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है सर कि पूर्ण रूप से शपथ करके कहता हूँ मैं, वो गंगा मैया की जगह है, पंचायत की जगह है, सरकारी जगह है और ये लोग जो है फर्जी ढंग से इधर उधर का बैनामा दिखा करके उसे वहाँ कह रहे हैं, उसको मंदिर को तो पहले तोड़वा दिया, संत को निकाल दिया, अब जब दाब पड़ी तो कह रहे हैं हम मंदिर की जगह मंदिर लगाएंगे। मंदिर बनता है, सिर्फ मंदिर बनेगा और सब प्रांगण। औरैया में एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरेन कस्बा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव घर में लटका मिला। आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, मैं 4:30 बजे उठा तो मेरा भाई जो है वहाँ पंखे पर फांसी पर लटका। क्या नाम भाई का? भाई का नाम जैकेश कुमार। पिताजी का? स्वर्गीय श्री राज कुमार जी। कैसे ये डेड बॉडी कहाँ मिली आपको? डेड बॉडी पंखे पर लटकी हुई मिली थी। पंखे फिर आपने किसी की सूचना दी अरवा कटरा थाने? सूचना पहले घर पे मैंने बताया, सब लोगों को जगाया, सब लोगों ने देखा कि घर जाके जो है सूचना की जाके 10-76 जी। क्या कैसे क्या हुआ अच्छा कुछ जानकारी है आपको? हाँ सर, हम सब लोग अंदर लेटे हुए थे, आए होंगे रात में, पता नहीं क्या इन्होंने किया, अभी पता ही नहीं लगा किसी ने, अदरवाइज किसी ने किया है या इन्होंने खुद किया है। पैर तो इनके ज़मीन में लगे हुए हैं और इसमें जो है मैं शंका है कुछ, तो जिनको संदेह था उनका मैंने नाम दिखा दिया। देवरिया में सलीमपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले पटरी के किनारे खून से लथपथ मृतक का शरीर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस ने शव को शिनाख्त कर इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
लखनऊ में मुख्तार भाई के सांसद अफजाल की संपत्ति कुर्क की गई। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत सांसद अफजाल अंसारी की प्रॉपर्टी भी सीज की गई है। करोड़ों की संपत्ति मुख्तार के भाई अफजाल की कुर्क की गई है। पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल की संपत्ति कुर्क की गई। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर लिया है। मुख्तार अंसारी के भाई पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, मुख्तार अंसारी के भाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है, इसको लेकर और क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है? जी रंजनी, हम आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। लखनऊ में मुख्तार के भाई सांसद अफजाल की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की 12.50 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है और यह कार्रवाई गाजीपुर पुलिस के द्वारा की गई है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत सांसद अफजाल अंसारी की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। गाजियाबाद में लोनी कोतवाली क्षेत्र के न्यू विकास नगर कॉलोनी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद दूसरे पक्ष का युवक हमला करने के फिराक में घूम रहा था। वहीं दूसरे पक्ष युवक को जब मौका मिला तो उसने बाइक से टक्कर मारकर युवक को गिराया और फिर लात घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर संभल से है, जहां आज जीएम ने बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड शुगर मिल का शुभारंभ किया। इसमें सबसे पहले जिलाधिकारी ने मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ बटन दबाकर तोल की गन्ना पिराई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला गन्ना अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मिले हैं शुगर मिल है, आज असमौली शुगर मिल और रजपुरा शुगर मिल दोनों ने अपने विधिवत पूजन के साथ अपने पराई सत्र की शुरुआत की है और बहुत ही जल्दी वीनस शुगर मिल भी अपनी शुरुआत करने जा रही है। थोड़ा सा बीच में जो ये बेमौसमी वर्षा हुई उसके कारण लगभग एक हफ्ते से 10 दिन पराई सत्र थोड़ा डिले शुरू हुआ, लेकिन किसानों की अब जो इनटेक है उसको शुरू कर दिया गया है। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि असमौली और रजपुरा दोनों में पिछले साल का 100% भुगतान पूरा हो चुका है और हमारी इस बार भी यही पूरी कोशिश रहेगी। प्रदेश सरकार भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि किसानों को उनके गन्ने का जो मूल्य है वो समय पर। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।